संस्थ के संस्थापक आला सिंह, करम सिंह, महेंद्र सिंह और रणजीत सिंह। तो आला सिंह ने जो है 1695 में पटियाला वंश की स्थापना करी थी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वैश्विक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो कि राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एक्टिव वोल्केनो से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप, नारकोंडा जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा, एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी अगर आप सबसे पूछे भारत में तो नारकोंडा, और अगर आप सबसे सक्रिय एक्टिव वोल्केनो पूछा, लगभग एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो बैरन द्वीप हो जाएगा सही आंसर, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहले वित्त आयोग की स्थापना, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एनके सिंह है, और पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। तो ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, और इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का अंतिम शासक था, या फिर यूँ कह सकते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसकी स्थापना पहलो लोदी ने करी थी, या पूरे सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, नाम इब्राहिम लोदी। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जबकि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जैसा कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन व औसत लागत के आधार पर कम से कम डैश गुणा स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी MSP तय करती है। तो कितने गुणा पर जो है MSP तय किया जाता है? तो ये अनाउंसमेंट होती है 2018-19 के बजट में, और अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन व औसत लागत, जितना औसत लागत है उसके आधार का कम से कम MSP कितना होगा? तो 1.5 गुणा MSP, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस, मतलब किसी फसल के पूरा उत्पादन पर 1000 की लागत आती है तो वो 1500 रुपये MSP होगा उसका, तो यानी 1.5 गुणा समर्थन मूल्य पर उसका MSP तय होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? तो जो चक्रवात बुलबुल है ये 2019 में किस राज्य को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन 8, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आता है, अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले तो आप सब आत्माराम पांडुरंग आंसर करेंगे, और इन्होंने कब स्थापना करी थी? तो 31 मार्च 1867 को जो है बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा गंगाखर पुनसुम, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया, यानी जो कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट को जैसे फतेह कर लिया, वैसे इस पर किसी प्रकार की कोई चढ़ाई
डैस की कमी क्वाशियोरकर का कारण बनती है। द डेफिशिएंसी ऑफ डैस लीड्स टू क्वाशियोरकर। तो सामान्य बच्चों में बीमारी देखने को मिलती है क्वाशियोरकर और मिरास्मस रोग जो हैं ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा पढ़ के आते हो, आयरन से आप सब पढ़ के आते हो, यहाँ पे बताइएगा लोहे की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, आयरन की कमी से। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। डैश मानव शरीर के सबसे कठोर ऊतक है, विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो दांतों का एनिमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, टूथ एनिमल। नेक्स्ट है द लेशन ज्ञांट बुद्धा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। लेशन विशालकाय बुद्धा की एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कहाँ पे है, चाइना में, इंडिया में, नेपाल में और भूटान में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चाइना में है। ऑप्शन जो होगा आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भैया, चाइना में हो गए विशालकाय बुद्धा जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है, ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन लेज द लार्जेस्ट एग। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, सबसे बड़ा पक्षी ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ओस्टिच का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस माइक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो मिनरल नीडेड इन लार्ज अमाउंट बाय द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा जो है फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया गया। देखिए 26 जनवरी 1949 को जो है भारतीय संविधान पारित होता है, जबकि भारतीय संविधान लागू कब होता है, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो आप सबको उसी हिसाब से जो है वो डेट ध्यान रख लेनी है जिस दिन भारतीय संविधान जो है पारित होता है। तो 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर जो है आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी जो है वो आप सबको पता रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कोयना तुंगभद्रा भीमा रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये हो गई हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट लिखता है कि द डैश स्टेट्स दैट हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर। एक परिस्थिति है जिसके अंदर क्या होता है, हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड, तो गर्म पानी ज़्यादा जल्दी जम जाता है, फ्रिज हो जाता है कोल्ड वाटर के मुकाबले। तो ये ऑक्सीजन थ्योरी है, बिग बैंग तो प्लेट टेक्टोनिक वाला पढ़ के आते हैं, हेलियोसेंट्रिक है, सही आंसर हो जाएगा पेम्बा इफेक्ट। ऑप्शन जो होगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा, पेम्बा इफेक्ट के कारण। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जीएस रिलेटेड। पूरा पेपर जो है एग्जाम जी टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो आप वहाँ से जाके पूरा पेपर भी देख सकते हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।